नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। मैं अभिषेक पांडे। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के पायलट अभिनंदन की। जी हां, पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा करने का फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट से खुद कहा है कि वह कल तक अभिनंदन को भारत रवाना कर देंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस मुहिम का ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्या प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें कि ट्विटर और सभी सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तीनों जगह पर अभिनंदन के नाम का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और भारत की पूरी जनता ब्रिंग बैक अभिनंदन के नाम से हैशटैग को ट्रेंड कर रही है और साथ ही साथ अभिनंदन बैक होम एंड अभिनंदन बैक होम सेफ, इस तरीके के हैशटैग्स ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहे हैं। भारत की पूरी आवाम चाहती है कि अभिनंदन जल्द से जल्द घर लौटे और सही सलामत लौटे। शायद यही कारण है कि भारत की जो 130 करोड़ जनसंख्या है उनकी प्रेयर के कारण ही अभिनंदन सही सलामत कल भारत वापस लौट रहे हैं। सोशल मीडिया का रिएक्शन इस पर बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस समय जय हिंद, भारत माता की जय और अभिनंदन बैक सेफ के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल पाकिस्तान के 3 प्लेन भारत की सीमा में घुसाए थे। उनको खदेड़ने के लिए अभिनंदन अपने जेट से निकले थे और उनका जेट क्रैश हो गया, जिसके कारण वो पाकिस्तान के अधिकृत सीमा में जा गिरे और उनको पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। और उनकी वीडियो सामने आई तो वायरल हो गया और खुद इसको स्वीकार करते हुए पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया का एक पायलट उनके पास है। और इसी के साथ ही शायद ये इंडिया का डर है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि कल जल्द से जल्द पायलट को रिहा कर देंगे और पायलट अपने घर पहुँच जाएगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।